Assalamualaikum guys. This is Abdurrahman from SSG Mobile. So guys, क्या हालचाल? एकदम मजे में फिट फाट. इस वीडियो में हमारे पास मौजूद है Poco F3 8GB RAM, 256GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी देखने को मिलती है. Snapdragon 870 की इसमें स्पोर्ट देखने को मिलती है. क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेक्स है, 2022 में इसका अगेन रिव्यू करने वाला हूं आप लोगों के साथ. क्या आप इसको यूज़ में बाय कर सकते हैं या नहीं, बाय करना भी चाहिए या नहीं, अगर बाय करें तो क्या रीज़न है, नहीं बाय करना चाहिए तो क्या रीज़न है, ओवरऑल टोटल डिटेल में आपके सामने शेयर करने वाला हूं. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पबजी रिव्यू भी लेकर आने वाला हूं. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए. सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हैंड में पोको F3 इन 2020 के लास्ट में, यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त भी एंड के ऊपर ही है. तो इसमें हम इसे बाय करना चाहते हैं. जब ये आया था 70 प्लस इसकी प्राइस थी, तो अब के हिसाब से देखते हैं इस डिवाइस को बाय करना चाहिए कि नहीं. सबसे पहले मैं जो है वो मैं स्पेक्स वगैरह हैं वो आपके साथ क्लियर कर लेता हूँ. सबसे पहले जो इसका भाई डिस्प्ले है, डिस्प्ले होनेस्टली बहुत प्यारा डिस्प्ले है. एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, HDR 10 प्लस 1300 निट्स पीक के साथ, 6.67 इंच का डिस्प्ले साइज हमें यहाँ पे इसका देखने को मिल जाते हैं. रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो 1080x2400 पिक्सल यहाँ पे हमें इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है. 395 ppi डेंसिटी के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट देखने को मिलती है इसके फ्रंट साइड पे. जैसे कि आप देखते हैं ये ग्लास की जो प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ये गोरिल्ला ग्लास 5 की ये प्रोटेक्शन इसकी हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट में एंड्रॉयड जो है वो 11 की अपडेट देख लेते हैं. MIUI वर्जन की अपडेट हो गया, 12 पे चला गया है मौजूदा दौर के हिसाब से. यहाँ पे अगर मैं इसकी चिपसेट की बात करूँ ना भाई, चिपसेट बहुत ज़्यादा इसमें तगड़ी लगाई गई है. तगड़ी का मतलब स्नैपड्रैगन 870 की इस पे हमें चिपसेट देखने को मिलती है, जो कि पबजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी तगड़ी है. क्योंकि इससे पहले MI 10T में हमें 865 की देखने को मिलती थी, जबकि इसमें हमें 870 की देखने को मिलती है 5G 7nm के साथ. उसके अलावा CPU ऑक्टाकोर देखने को मिल जाता है, GPU एंड्रीनो 650 का यहाँ पे हमें GPU देखने को मिल जाता है. डिफरेंट किस्म के इस डिवाइस में हमें वेरिएंट देखने को मिले थे. 6GB रैम में देखने को मिला था, 8GB रैम के साथ देखने को मिला था, और 8GB 256GB वाले के साथ भी इसका हमें वेरिएंट देखने को मिला है. बैक साइड पे आप ये कैमरा सेटअप देख सकते हैं. बैक साइड पे कैमरा इन्होंने थोड़ा सा कम डाला है. यहाँ पे हमें जो है 3 कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं. यहाँ पे पहले कैमरे की बात कर ली जाए तो ये 48 मेगापिक्सल का लेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. बाकी जो लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है, और जो थर्ड वाला है वो 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. फ्रंट कैमरे के अगर मैं ओपन करके इसका बैक कैमरा आपको वीडियो क्वालिटी की बात यहाँ से ही, क्योंकि अपडेट आ चुकी है, जो पहले वाली अपडेट थी ना उसमें ये बैक कैमरे से वीडियो है जो 4K 30 1080p 3060 120 240 960fps तक बना सकता था. बट अब जो नई अपडेट आई है ना उसमें आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, देखिए 1080p 30fps है, 1080p 60fps है, 4K 30fps है, 720p का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसमें हमें जो है वो 4K का ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता. 4K ये सपोर्ट नहीं करता. उसके अलावा फ्रंट पे हमें सिंगल कैमरा 20 मेगापिक्सल का लगाया गया, 1080p 30fps पे फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. तो हम ऐसा करते हैं फ्रंट कैमरे की जो है वो ऑन करके देखते हैं कितनी है. तो 1080p 30fps 1080p 30fps एंड 720p 30fps एंड 1080p के साथ 60fps पे भी ये फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. फ्रंट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा, अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए रिकमेंडेड है कैमरे के हिसाब से. नेक्स्ट इसमें चल लेते हैं हम इसमें फिंगरप्रिंट जो है वो इसके साइड यूनिटी लगाया गया है. साइड पे हमें इसका पावर की देखने को मिलता है, यही इसका फिंगरप्रिंट है. यहाँ पे एक चीज़ जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसकी बैटरी. इसमें जो बैटरी है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, 4520 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 500 mAh MI 20 से कम देखने को मिलती है. 33W का सेम वही चार्जर इसमें हमें देखने को मिलेगा. जी हाँ गाइस, 33W का चार्जर इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा. तो ये थे इसके कुछ स्पेक्स वगैरह जिसके रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया. अब थोड़ा सा डिवाइस यूज करके मैं आपके सामने शेयर भी कर लेता हूँ इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है. 2022 में अगर आप इस डिवाइस को लेना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जाए, या आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत मदद मिल गई होगी.
यहाँ पे अगर डिवाइस की रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एमोलेड के साथ तो काफ़ी हद तक मज़ा करवाता है। ठीक है, आपको 120 हर्ट्ज़ तक एक फील हो रहा था कि भाई वाकई में आप कोई हैवी किस्म का जो पैनल है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका रिफ्रेश रेट 60 FPS भी है और 120 FPS भी है। दूसरा, इन एमोलेड में ये आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें किसी किस्म का शेड नहीं आता जैसे कि सैमसंग या इधर उधर वगैरह में शेड आ जाता है, इनमें हमें वो शेड देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इसके रिलेटेड डिटेल बताई, इसकी जितनी स्पेक्स थी वो मैं आपके सामने शेयर कर दी। अब मौजूदा यूज के हिसाब से डिवाइस की प्राइस की बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो इस टाइम 60 से 62-61 के करीब चल रही है, 8 GB रैम 256 GB वाले वेरिएंट की। अगर आपको इससे दूसरा मॉडल लेना तो आपको 50 के राउंड बाउट लेके आपको 62 में हर मॉडल ये अवेल हो जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसकी पबजी टेस्ट और कंपैरिजन होने वाला है MI 10T के साथ, देखने में कौन सी डिवाइस ज़्यादा फास्ट है। अब वो वीडियो चाहते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। पर आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, वब तक लेने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखना है ख्याल, अल्लाह निगहबान।